लक्ष्मणगढ़ में मिरासी समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजित शिविर में लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी डॉक्टर कुलराज मीणा, पुलिस उपाधीक्षक श्रवण कुमार झोरण, एसआई बाबू खान, नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मुस्तफा कुरेशी, पार्षद शबाना सैयद एवं फूड इन होटल के संचालक एवं युवा नेता साबिर बाबू हाजी अतिथि के रूप में मंचस्थ रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मिरासी समाज के युवाओं द्वारा सभी मंचस्थ अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। आयोजित शिविर में मिरासी समाज द्वारा सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र एवं बैग वितरित किए गए। लक्ष्मणगढ़ पालिका अध्यक्ष हाजी मुस्तफा कुरेशी ने मिरासी समाज को बधाई देते हुए कहा कि समाज द्वारा किया गया यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। जानकारी के अनुसार रक्त संग्रहण करने के लिए सीकर एसके हॉस्पिटल एवं शेखावाटी ब्लड बैंक की टीमें आई थी। लैब टेक्नीशियन इशाक अली ने बताया कि आयोजित रक्तदान शिविर में 4 बजे तक 175 यूनिट रक्त संग्रहित किया जा चुका था। कार्यक्रम के दौरान पार्षद फयाज डॉलर, सलीम सदर, दीन मोहम्मद सईद जनप्रतिनिधि एवं मिरासी समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ये समस्त मिरासी समाज की तरफ से किया जा रहा है और एक साल पहले भी यहाँ हुआ था और ये दूसरा इनका ये ब्लड डोनेशन लगाए हैं। और ये समाज जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कर रहे हैं मतलब, और ये समाज जो है धीरे धीरे ऊपर आ रहा है मतलब, तो हमें भी खुशी है। और इसके पहले जो ब्लड कैंप लगा था उसमें 168 यूनिट हुआ था और अब भी ना लगभग तकरीबन 200 यूनिट होने की संभावना है। और ये बहुत ही उत्साह के साथ में और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किए और यहाँ एसडीएम साहब भी आए, सबाना पार्षद भी आई और साबिर बाबू हाजी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भी आए और बहुत से पार्षद है, फयाज डॉलर है और भी मतलब सलीम सदर है, दीन मोहम्मद है और हमारे यहाँ